मैं उनसे कह रहा हूं, जो व्यक्ति ने भारतीय संविधान की शपथ ली है वो अगर हिंदू राष्ट्र में विश्वास करता तो पहले पक्ष हो देना चाहिए। ये कहा है मैंने, आज भी कहा है। सर कमलनाथ जी कह रहे हैं 82% हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र ही है, सर कहने की बात नहीं है। ऐसा नहीं, क्या जनसंख्या हिंदुओं की जो उन्होंने उसका उल्लेख किया है वो गलत है? कैसे लूंगा आप लोग बेमतलब तो उनको कॉन्ट्रोवर्सी डाल रहे हो कमलनाथ जी को। लेकिन सर उनके लिए वो भी तो अभी बागेश्वर ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हुई, अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी पद पर है क्या? भारतीय संविधान के किसी पद पर है क्या? है क्या? मैंने आपसे कहा भारतीय संविधान जिसको विश्वास है और जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है, तो भाजपा के मुख्यमंत्री जी आपने भारतीय संविधान की शपथ लिए कि नहीं लिए हैं? लिए तो आप पुष्टि कर देना चाहिए अगर आपको हिंदू राष्ट्र में विश्वास है। अटल जी एक महान व्यक्ति थे और मुझ पर विशेष उनकी कृपा रही है, और यदि आज तुलना की जाए अटल जी की और नरेंद्र मोदी जी की तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।